गाइस हम लोग काफ़ी रास्ता तय करके पहुंच चुके हैं इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में है यानी, और अभी हम लोग ढाबे में हैं। थोड़ा सा सबको नींद आई, वो चश्मा गिर गया चश्मा। गाइस ये हमारी मित्र मंडली है, आपको अपनी मित्र मंडलियों से मिला रहे हैं। नींद आने लगी थी, थक गए थे, लेकिन ढाबा अच्छा है, आपको अच्छा दिखा लगेगा। हमारी निशा दीदी सबसे लेट में आई हो दीदी आप, तो ये जिस ढाबे पे हम लोग आए हैं और ऐसे टेबल्स लगे हैं तो क्वाइट गुड, और मौसम भी अच्छा है तो यहाँ बैठने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फटाक से ऑर्डर करते हैं गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, यहाँ पे ऐसे वो भी पड़ी हुई है। हाँ नाइस। तो कैसा लग रहा है भाई और बहनों? आर यू एंजॉयिंग? तो रास्ते में हम लोगों को ये दिख गए हैं खेत, और यहाँ पर काफ़ी कुछ उगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि यहाँ पर किस चीज़ की खेती हो रखी है, बिकॉज मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और यहाँ पर बहनों का फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपना घर का खाना खा रहे हैं गाइस, लेके आए हैं सब्जी, दीदी लेके आई गोलू दीदी बंदा और उसकी मिक्स वेजिटेबल, और हम लोग रोटियाँ खा रहे हैं और बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। गर्मा गर्म हमारी मिक्स पकौड़े, और यहाँ पर मिक्स पकौड़े खाए जा रहे हैं और अच्छा विद चटनी खाने वाली। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट, इन पकौड़ियों का टेस्ट कैसा है। तो क्रिस्पी यम्मी एंड पनीर प्याज आलू गोभी मिक्स। तो हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय। अदरक वाले की इलायची, अदरक वाली सही है। हाँ, रख लीजिए, खाई जा सकती है। तो गाइस हम लोग कौशंबी से निकल चुके हैं और हम लोग 2-2.5 घंटे में इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। बनारस पहुँचेंगे? इलाहाबाद तो भी आधे घंटे में आ जाएगा। वाह, तो हम लोग 2-2.5 घंटे में पहुँचेंगे बनारस। हम लोग ने अपना रूम फाइनल कर लिया है और अभी हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे हैं। शाम को हम लोग इससे भी अच्छे वाले रूम में जा रहे हैं और रेंज बहुत सही हम लोगों को मिल गया है। पहले जो 15,000 का मिल रहा था वो तो बहुत हाई फाई हो रहा था, और अच्छा भी है, सर्विस भी अच्छी है, क्योंकि हमको 2700 का मिला है। तो मतलब ढूंढने से कुछ भी मिल जाता है, लोग यहाँ पे ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। थोड़ा सा अवेयर होके आइए और 2-4 रूम्स होटल्स को चेक करिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रेंज में होटल्स मिल जाएंगे। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं आगे आ जाती हूँ, अब हम मैं आज आगे बैठ रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। तो फिर मैं मिलते हैं। भव्य यहाँ पर गंगा आरती हो रही थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बोट से ही हम लोग ने पूरे गंगा आरती के मजे लिए और देखा, दर्शन किए। बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है यहाँ की गंगा आरती, वाकई में। गंगा आरती के लिए गाइज आपको 6 बजे यहाँ पर एग्जैक्ट पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाइए, 6 बजे गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने से सबकी बोट्स आके रुक गई हैं, तो हम लोग जो बाद में आए थे वो पीछे हैं, जो पहले आए थे वो हमसे आगे हैं, और इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और गंगा आरती के मजे ले रहे हैं। और एक अलग ही माहौल है यहाँ का, आपको देखने का एक स्पिरिचुअल अलग माहौल, अलग शांति। और जब गंगा आरती ख़त्म हो गई वैसी सारी बोट रिटर्न होने लगी अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग भी थोड़ी देर गंगा जी में थोड़ा दर्शन किए और बोट वाले ने हमें जो घाट दिखाने थे वो घाट दिखाए। तो यहाँ पर हम लोग एकदम
लाइटिंग में मतलब मजा लेते हुए, रात का समय एक अलग ही माहौल था, लाइटिंग, गंगा जी और एक सुकून जिसे आप कह सकते हैं कि वो तो गाइस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी डेड बॉडी यानी कि चिताएं जल रही हैं। ये है मणिकर्णिका घाट और यहाँ पे डेड सेलिब्रेट की जाती है। माना जाता है कि शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा का एक नया जन्म होगा और यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है ऐसा मानता है। और यहाँ पे 24 घंटे मतलब डेड बॉडी मतलब यहाँ पे जलने के लिए आती है। और ये पूरा आप मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का ये मंदिर है। तो गाइस हम लोग होके आ गए हैं गंगा आरती देखकर, अब हम लोग घाट पे हैं। काफी रौनक है यहाँ पर और 7 बज गए हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि 7 बज चुके हैं। नहीं लग रहा है, सुंदर बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है, वेरी नाइस, बहुत मजा आया। हमने एंजॉय किया राइड को, गंगा आरती को बहुत एंजॉय किया। कैसी है? अदरक वाली है ना, मुझे उसको इलायची नहीं पसंद है। हाँ, हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना, मिक्स वेज, चपाती, पापड़, रायता, दाल। और आप ये देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, फिर कल मिलेंगे मॉर्निंग में और हम लोग खाना खाएंगे और जाके अब सो जाएंगे अपने रूम में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, फिर मिलते हैं कल।